ओलंपिया में क्या है ये पूरे बात भी वही है। इसलिए भगवान देव ने आपने जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज जिस परिवार में शामिल हुए हैं यही आपका असली परिवार है। और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। 2015 का विधानसभा का चुनाव याद करिए, चुनाव के पहले आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का समय आ गया। ये उनका उनकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो वहां से गाइड करता है आरएसएस, तो ये उनके जो गाइड करने वाले जो कंट्रोल टावर है वहां से ये खबर चला कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार की हो रहा। देश को कहीं नहीं जाती इच्छा नहीं यार। और कि किसी ने है, किसने दिया? जननायक कर्पूरी ठाकुर। पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित किया और भारत से अति पिछड़ा वर्ग का। और 2005 जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तब उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को आगे बढ़ा और उस सपने को सरजमीन पर धरातल पर उन्होंने उतारा। और जनसंघ के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस लेके उनको मुख्यमंत्री के पास से उठा। इसलिए उन्होंने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। तो ये इनका चरित्र, कहीं से भी इनको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। कहा कि हम न्याय के साथ विकास करें, तो न्याय के साथ उनका सुदृढ़ करके दिखाए। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने कहा, बिहार में बिजली की स्थिति बहुत खराब थी, पटना के गांधी मैदान के आम सभा में उन्होंने कहा झंडा फहराते और ये कहा कि दिल्ली में अगर बिजली वाला परिवर्तन नहीं हो पाए तो हम चुनाव में जनता से, बिहार की जनता से वोट मांगने नहीं जाए। ये साहस है किसी भी मुख्यमंत्री, कोई भी राज नेता ये साहस होता है कि अगर हम नहीं कर पाए अपने किए गए वादे को तो हम वोट नहीं मांगे। नरेंद्र मोदी कल कहते हैं आपके वादा किए थे देश की जनता को, अगर हम नहीं किए होंगे तो हम वोट नहीं मांगे। भाई आप तो कहे थे कि हर गरीब के खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचा दें, कहे थे कि नहीं कहे? अरे कहे थे कि नहीं? रामकुमार मंडल क्या कहे थे कि नहीं कहे? हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दी, तो 10 साल हो गए, 8 साल अभी हुआ है, 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो हिसाब उनको जनता को बताना चाहिए कि 16 करोड़ हमने रोजगार कहां दिया। इसलिए कुछ लेखा जोखा आगे नहीं है, सब बही खाता सब साफ है, खाली है बही खाता। तो क्या बोलेंगे? कभी कहेंगे चीता लाए, कभी कहेंगे राम मंदिर बनवाएंगे, टीवी अगर खोलिएगा तो सुबह में कहा शिवलिंग निकल गया, कहा विष्णु भगवान का मंदिर निकल गया, कहा कुछ निकल गया। उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्हीं का कहीं गुरी जी बैठ गए, टीवी वही काम करते हैं। और जातिगत जनगणना से भी कह के सब मुकर क्या है उस पर पवन देव जी का चिंता करते हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय है, अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं क्या?